सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सुमित्रा नई की पर। तो आज की वीडियो की शुरुआत अभी सुबह से हो रही है। सुबह के अभी 11 बज चुके हैं और हम 9 बजे आ गए थे घर से। जंगल आए हैं आज हम बांझ लेने के लिए। मैं और अनीता ही आए हैं, हम दो ही हैं क्योंकि और लोग नहीं आए आज। तो आज छुट्टी थी, संडे था, तो मैंने कहा थोड़ा मैं भी जाती हूँ, सही होता है, थोड़ा दगड़िया दगड़िया रहे तो ठीक लगता है। तो हम दो ही आए, तो अभी हमारे बांस की भारी हमने लगा ली है। थोड़ा सा नीता कर रह गए तो लगा रही है, फिर हम चलेंगे घर को। तो आज हम यहाँ दूर जंगलों में आए हैं, आपको दिखाती हूँ मैं आज दिन भर का हमारा क्या क्या काम हो पाता है। अरे रही अनीता, बांस लेके आ रही है, उसकी भारी ये है और मेरी भारी ये वाली है। तो अभी बांस की भारी लेके मैं आ गई गौसर है। मेरी तो आज आफत आ गई है क्योंकि आज बहुत टाइम बाद में जंगल गई और ऊपर से पता नहीं कितने सामने मैंने इस भारी को फेंका, क्योंकि आप बता रही थी भारी भी हो गई थी और थोड़ा एक साल बाद गई, शायद चलने की आदत भी नहीं है। मगर आदत है, लेकिन थोड़ा होता है कुछ टाइम बाद जाओ तो चला नहीं जाता है। तो अभी मेरी गौशाला में आ गई हूँ और आप बता रहे मेरा चेहरा भी एकदम लाल हो चुका है। और अब चलती हूँ मैं घर को, और धूप भी आज हल्की हल्की है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अरे रही मेरी बांस की भारी, गौशाले में आ गई हूँ और अब चलते हैं घर को, खाना पीना खाते हैं, मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। तो अभी मैं घर पे आई, खाना पीना खाया और मैंने सोचा थोड़ी देर आराम करूँगी, लेकिन आराम कहाँ, आज छुट्टी है तो आज ही सारे काम करने होते हैं घर के। तो थोड़े से गेहूँ थे पीसने के लिए, लगाने के लिए, तो उनमें थोड़ा कुछ गर्दा है तो उनको मैं साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद चक्की में पीसने के लिए डालूंगी। तो पहले उनको साफ कर लेती हूँ। तो अभी जो है मैंने गेहूँ भी बना लिए हैं, अब उनको लगाती हूँ चक्की में पीसने के लिए, जब तक लाइट, क्योंकि लाइट भी आ रही है जा रही है। तो ये रही हमारी छोटी सी चक्की, अभी मैं इसकी सफाई वफाई कर ली है। अब मैं इसमें डालती हूँ थोड़े से गेहूँ। तो अभी गेहूँ इसमें डाल दिए हैं और अब इसका दरवाज़ा बंद कर दिया, क्योंकि बिना दरवाज़ा बंद किए ये ऑन नहीं होता है। तो हेलो, अभी मैं आ गई हूँ गौशाला साइड। आज मौसम जो है थोड़ा ख़राब सा हो रखा है, तो जो हमारी गौशाला है गाय भैंसों के लिए, वहाँ पर घास थोड़ी सी कमी है। अगर बारिश आएगी तो फिर घास रखने की दिक्कत हो जाएगी। तो आज छुट्टी थी तो हमने सोचा आज घास रख लेते हैं अंदर। तो अभी तक मैंने थोड़ा बहुत घास निकाल लिया है। तो ये रहा इस वाले पेड़ में था घास, तो मैंने ये निकाल लिया है नीचे। अब मैं इसकी भारी लगाती हूँ फटाफट से। क्या करें, संडे का दिन तो इतना व्यस्त होता है। अदर डे तो हम थोड़ा बहुत आराम कर भी लेते हैं, लेकिन संडे के दिन तो थोड़ा भी आराम नहीं हो पाता है। क्या करें, हमारी ऐसी लाइफ है, बिजी लाइफ। तो मैं घास लेके चलती हूँ गौशाला में। अभी इस तरफ इतना अंधेरा अंधेरा हो चुका है, लगता है बारिश आने वाली है। तो मैं फटाफट से एक भारी में रख के आ गई हूँ और अब दूसरी भारी भी रखती हूँ। तो ये है, कुछ इस तरह से निकालना पड़ रहा है, आ ही नहीं रहा है नीचे, और इसमें चढ़ना तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है। तो मैं इस वाले डंडे से खींच रही हूँ, लेकिन आ ही नहीं रहा है ये। तो अभी जो है हमने यहाँ घास भी पूरा रख लिया है। यहाँ पर बांस की भारी ये है भीमल। आज का जो काम था वो तो अभी निपटा लिया है, और आज की इस वीडियो को इतने रहते हैं, क्योंकि मैं छोटी छोटी वीडियो बनाती हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है। तो आज की इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं सुमित्रा नेगी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।